आज जिस बंदे के पास मैं आया हूँ, छोटा भाई है, इंतहाई बाअदब। असल में बात ये, वो कहते हैं बाअदब बानसीन, और बहुत कम मैंने देखे हैं यंगस्टर्स जो बाअदब हों। ऐसे ही बाअदब लोगों में से एक नाम है अजान मलिक का, छोटा भाई है, बहुत इज्जत करने वाला है। प्रोग्रेसिव पैनल को वैसे एक आपस की बात है, ये बहुत बड़ा एज हासिल है कि अजान देख लें, आप रिजवान जेब देख लें, इंतहाई इज्जत करने वाले लोग हैं। तो अभी इससे पूछते हैं कि मेरे भाई, मेरी दुआएं तो मुकम्मल तेरे साथ हैं, और अल्लाह जानता है दिल से निकली हुई दुआएं, और सिर्फ मेरी नहीं, पता नहीं कितने लोगों की होंगी तेरी, जो तेरी अदब और एहतराम की वजह से तुझसे मोहब्बत रखते हैं। तो भाई अजान मलिक, हाँ वही भाई हाँ जी जनाब, कल इलेक्शन लड़ रहे हैं, कल फिर मिठाई कितने बजे हमें खिलाएंगे? सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि जो रिजल्ट्स हैं वो जैसे ही हमें रिजल्ट्स आएंगे तो सर मिठाई तो हमने स्टैंड में की हुई है। अच्छा, अगर मुझे शुगर हो तो फिर मुझे मिठाई खिला के मारेगा सर तू? मैं आपको अपना सर्विस चाय पिला दूंगा, नमक वाला, वाह जी साथ वाह जी। बाकर खानी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए यार, जी मजाक के जी अलावा, जी छोटा भाई है, मैं तो जानता हूँ मैं तुझे वोट क्यों दे रहा हूँ। जी अगर मैं कहूँ कि लोगों को बताओ क्यों वोट दिया जाए? सर देखें, अगर मैं पूरे प्रोग्रेसिव की सबसे पहले बात करूंगा, अपनी मैं बाद में करूंगा बात। प्रोग्रेसिव जो है बेसिकली आपके सामने है कि दो मरतबा राव शाह साहब आए हैं, और राव साहब बेसिकली प्रोग्रेसिव का फेस है। राव साहब ने 2 साल में डिलीवर भी किया है, पहले बिल्कुल साल में भी हमने डिलीवर किया जितना हम अपने मिनिमम रिसोर्सेज में रह के कर सकते थे, दूसरे साल में फिर जितना मिनिमम रिसोर्सेज में रह के कर सकते थे हमने, वी हैव डन अ लेवल बेस्ट। अच्छा, और मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि इस कम्युनिटी को अगर स्ट्रेंथन करना है तो एक पूरा मैंडेट दे दे और पूरा पैनल आ जाए, अच्छा, ये ना हो। जी मैं यहाँ पे एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये जो स्कॉलरशिप्स और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं हज के, उसमें मैंने इस लड़के को भागते हुए देखा है। यानी कि इसके पास कोई ओहदा नहीं था, लेकिन बगैर किसी ओहदे के भी इसने जितनी एफर्ट्स किए, अगर आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोग इसके हाथ आके चूमें कि इस बंदे ने कितना आप लोगों की फेवर के लिए, हमारी फेवर के लिए। यार देखो सच्ची बात है, चैनल्स हमारे किस तरह हमें ट्रीट करते हैं, समा हो गया, एक्सप्रेस हो गया, एक दो अच्छे चैनल्स हैं, उसके अलावा आपके साथ क्या ट्रीटमेंट है? बिल्कुल ऐसा ऐसे में इस तरह के यंगस्टर्स, राव शाहिद जैसे लोग जो है, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में कोई थोड़ी सी 1% भी रिलैक्सेशन लाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनका हक बनता है कि हम इन्हें आगे लेके आए, ताकि जब ये इन कमांड आते हैं बिल्कुल तो हमारे लिए बेहतरी हो। यार अजान, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं तुझे ना भी जानता होता ना, और एक दफ़ा मिला होता, तो मेरा वोट तुझे होना था, क्योंकि अल्लाह ने तुझे, तू एक अच्छे माँ बाप का बेटा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक माँ बाप ने तुझे ट्रेन करके इज्जत वाला बना के भेजा है इस दुनिया में, इज्जत वाला बना के प्रैक्टिकल फील्ड में भेजा है। अच्छा। इसके अलावा ये तो हो गई प्रोग्रेसिव की बात। अब आप स्पेसिफिकली आप कह रहे थे कि व्हाई यू गाइस शुड वोट मी, वो मुझे क्यों वोट करें। अच्छा, उसकी एक बड़ी प्राइमरी रीज़न है। रीज़न भाई उसकी ये है कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सीट होती है इतलात, इतलात और तर्जमानी करनी होती है उसने। 912 लोगों का तर्जमान होता है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। तो मैं, छोटा भाई है जिसमें मेरा ओपोनेंट है, ही इज़ लाइक अ ब्रदर, दो मेरी इसके इतनी ज़्यादा मुलाकातें नहीं है, लेकिन कौन ही है? अतीक साहब है, अतीक चौधरी साहब। अच्छा, वो अवध न्यूज़ वाला मेरे जी, ख्याल। अच्छा सही, तो मैं बेसिकली ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर, लेकिन अब मैं अपना एक्सपीरियंस जो है, इट्स बिन 10 ईयर्स टू मी इन दिस फील्ड। आई स्टार्टेड माई करियर बैक इन 2008 फ्रॉम रोजना पाकिस्तान, तो 8 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं, सेम 10 साल हो गए इस फील्ड में। तो मेरे ख्याल से मैं अगर अपनी स्पेसिफिकली बात करूं तो बेहतर तरह से तर्जमानी कर सकता हूं 912 यार, मेरे लोगों ख्याल में तेरा वकील मुझे बनना पड़ेगा, तू का। अपने आप को इतना एक्सपेक्ट्स, यानी कि शराफत में, मैं बताता हूँ, रिसोर्सफुल बंदा है। एक जगह पे हमने शूट पे जाना था, और एन वक्त पे कुछ लोगों ने गंद डाल दिया। मैंने इसे फ़ोन किया, विद इन 5 मिनट्स वो लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि भाई साहब आके आप अपनी शूट मुकम्मल करें। इज़ अ वेरी रिसोर्सफुल बंदा, और इसकी रिसोर्सफुलनेस, बात यह है कि अगर इफ़ समबडी इज़ रिसोर्सफुल, तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उसकी उस एबिलिटी से अपने फ़ायदे लेने चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि किसी, यानी कि मैं ये नहीं कहता कि आप, मेरा आपसे कहना ये कि अपने इंटरेस्ट को देखें, बाकी सब जाएं बाद में, पहले आपका इंटरेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट पर वोट दें, ताकि कल आप ये ना कहें कि सैम्परा ने हमारे लिए क्या किया। बिल्कुल ये अजान मलिक है, इसको वोट दें, रिसोर्सफुल है, जो मिनटों के अंदर काम करवा लेता है। कल को जब वो सीट पर बैठा होगा, तो आप खुद सोचें कि आपकी और मेरी लाइफ में कितना डिफरेंस इसकी वजह से और आएगा। मेरे मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं आप तमाम दोस्त और भाइयों को और बहनों को ये बताना चाहता हूँ
कि खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता, प्रोग्रेसिव पैनल तो पूरा ही आप लोगों के लिए हाजिर है। प्रोग्रेसिव पैनल का एक एक बंदा रहा हो शायद से लेके नीचे गवर्निंग बॉडी पे गुलाम मुर्तजा तक, सब आप लोगों के लिए बैठे हैं। स्पेसिफिकली खुदा ना खास्ता आप लोगों की कभी भी रात को 3 बजे भी खुदा ना खास्ता की प्रॉब्लम होगी तो मैं हाजिर हूँ, कहने की जरूरत और मैं हूँ। मैं जिस वक्त नो डाउट मैं इलेक्शन में था, नहीं था, मैं लड़ रहा था, मैं नहीं लड़ रहा था, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई ब्रदर्स एंड फॉर माई सिस्टर्स एट नो डाउट। वो जितने मर्जी बजे भी रात को, ऐसे ऐसे टाइम में भी रात को 3-3 बजे लोगों की कॉलिंग आई है कि इधर आना है, उधर आना है, ये हो गया, मैं हमेशा हाजिर होता हूँ, मैं हमेशा हाजिर होता हूँ। अजान, अब एक आपका कुलीग भी आ गया, इधर आपने जाना नहीं है, पहले तो अपना नाम बताएं, क्योंकि बात यह कि जो साथ काम कर रहे होते हैं वो बताते हैं, मैं इस बंदे को नहीं जानता, फ्रेंकली स्पीकिंग नया नया मैं यानी कि इधर आया हूँ, तो आप मुझे बताओ आपने अजान को कैसा पाया यार, आप कब से अजान के साथ हो, जानते हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं समा टीवी से फैसल मिर्ज़ा, और अजान मैं यहाँ समा टीवी में 3 साल से हूँ, और अजान भाई मुझसे पहले ही थे यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छे इंसान है। क्या क्वालिटी क्या है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है? अग्रेसिव है, अग्रेसिव हो जाते हैं कभी, मगर ये वो तो यार सच्चा बंदा हमेशा अग्रेसिव होता है। हाँ ऐसे ही ऐसे ही, और ये है कि पोलाइट बहुत है अपने काम के साथ, ये मतलब जो ये ठान लेते हैं ना कि यार ये मैंने करना है तो वो ये करके छोड़ते हैं, और इनकी क्वालिटी ये है कि सबसे ये मेरे बड़े भाई हैं और सबसे बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि इन्हें वोट करें और इन्हें कामयाब करें। अब आपको एक और बड़े ही प्यारे बच्चे से मिलाता हूँ, कल उसने मेरी बात नहीं मानी थी, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन बेस्ट बॉय, बहुत बाअदब लड़का, अवैस साहब बताओ यार। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं? जी मैं अजान भाई के बारे में बात करना चाहूँगा। अजान भाई, मैं जब से आया हूँ जिस दिन से, उस दिन से अजान भाई की सपोर्ट रही है मुझे, मुझे याद है कि मेरा पहला दिन था और मुझे उसी दिन मुझे कहा गया था कि आपने अजान भाई के साथ शूट पे जाना है, मैंने मुजफ्फरगढ़ गया था, पहला पहला शूट किया था उनके साथ, और मैंने बहुत इन्जॉय किया था और मुझे बहुत लर्निंग हुई थी अजान भाई से, सीखने को मिला था। और मैं अपनी एक पर्सनल चीज़ में बताऊँ, मुझे सम टाइम्स 3-4 मरतबा मुझे रात को 2-3 बजे इनकी ज़रूरत हुई है, और जस्ट एक कॉल पे और जस्ट एक मैसेज पे मैं अजान भाई को मैंने बुलाया, और अजान भाई वहाँ ठक करके पहुँचे, उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, उनको फ़ौरन आए और उन्होंने मुझे आके सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे आके यहाँ, क्योंकि मैं दूसरी सिटी से हूँ और मैं यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, अजान भाई ने आके मुझे यहाँ, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की, मक्खन लग रहे मक्खन लग रहे भाई हैं, हमारे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अपने अल्लाह पाक से कि अजान भाई को अल्लाह ताला कामयाब करे इंशाल्लाह। लास्ट वर्ड यार, लास्ट इंशाल्लाह। मैं कल 14 जनवरी है बरोज इतवार, तमाम दोस्तों से भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आए सुबह 9 बजे, अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए, प्रोग्रेसिव को वोट दीजिए, प्रोग्रेसिव को स्ट्रेंथन कीजिए, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन कीजिए, खुद को स्ट्रेंथन कीजिए। मैं स्पेसिफिकली अपनी बात नहीं कर रहा, किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, एक शख्स जीत जाएगा एक हार जाएगा उसमें हमारी कम्युनिटी मजबूत नहीं होगी, हमारी कम्युनिटी सिर्फ उस सूरत में मजबूत होगी जिस वक्त प्रोग्रेसिव पैनल ऊपर से लेकर नीचे तक सब पे ठप्पा प्रोग्रेसिव पैनल पर लगेगा। तो प्रोग्रेसिव को मजबूत कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए, कम्युनिटी को मजबूत कीजिए। थैंक यू सो मच जनाब। अब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, मेरी रिकमेंडेशन 100% है कि अजान मलिक को वोट दें ताकि बेहतरी आए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, वोट फॉर प्रोग्रेसिव।